हाउ आर यू? फाइन सर, आप कैसे हो? ऑल फाइन ऑल फाइन। SBB बैच ज्वाइन किया था एनसीए का, जी सर, थैंक स्लॉट 1 था, 98.32। गुड यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। यू सर। सर कौन सा कॉलेज लग रहा है मिलेगा? कौन विवेकानंद तो आराम से मिल जाएगा। सा? विवेकानंद आराम से मिल जाएगा। एंड विच वन यू आर सीकिंग फॉर एडमिशन? सर विवेकानंद ही फिलहाल तो फर्स्ट चॉइस विवेकानंद ही है सर। अच्छा, ओके। एंड वेर यू स्टे? मुमरा पासिंग नगर, जैसे कलवा के पास आता है। ठाणे ओके, मुंबई। ओके, ठाणे ठाणे। ठाणे। सो हिमांशु शर्मा, यू ज्वाइन SBB बैच। SBB बैच कभी स्टार्ट की थी हमने? सर मार्च के 24-25 के बाद ही थी वो। सॉरी सॉरी, फेब्रुअरी के 25 के बाद। 25th के बाद? नहीं यार, पहले नहीं होगी। सर, लास्ट 15 डेज में ही थी वो। अच्छा, लास्ट के 15। अच्छा, 15 डेज का था। हाँ अच्छा, 15 डेज का टाइम टेबल के साथ भेजी है। कम हो, लास्ट बैच थी। हाँ, नाइस यार। तो फिर तो कम टाइम में काफी अच्छा प्रिपरेशन हो गया। सर, एक्चुअली प्रिपरेशन तो मेरे मैम ने एमसीए किया था, जो जिनका अच्छा, गाइडेंस लेता हूँ। तो उन फर्स्ट ईयर से ही था कि एमसीए करना है, पर ओके, कॉलेज के साथ होता नहीं है, तो लास्ट ईयर बराबर। में आके थोड़ा ज़्यादा जोड़ दिया था एमसीए। पर लास्ट ईयर में भी प्रैक्टिकल्स करो, फिर अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है ना सीएस में, तो दो राइट, प्रोजेक्ट थे हमको। ओके ओके। तो ग्रेजुएशन के साथ बेसिकली इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, बट बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट लिए जहां पे बच्चे ग्रेजुएशन के साथ भी अच्छा कर गए। तो टाइम मैनेजमेंट इज द इशू या और नहीं भी कुछ कर रहे थे साथ में? सर, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी कर रहा हूँ। अभी अगले साल शायद मैं एफकेट का एग्जाम भी दूंगा। FCAT, ओके, एयरफोर्स। ओके, सो हिमांशु, आर यू हैप्पी विद दिस परसेंटाइल 98.32? सर थोड़ा और आ सकता था मेरे हिसाब से तो। थोड़ा और आ सकता था। तो गलती क्या हुई, या क्या लगता है कि क्या चीजों को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लेता? सर दोबारा सोचना नहीं चाहिए था आंसर, बहुत सारे सोचने दोबारा? नहीं चाहिए थे आंसर। कुछ आंसर ऐसे होते हैं ना कि आपको आता है इंग्लिश में, जैसे हो जाता है कि यार इसका ये भी हो सकता है, वही हो गया थोड़ा। और थोड़ा ओके, मुझे लगता है कि सर थोड़ी पढ़ाई जल्दी चालू कर देनी चाहिए थी। वो होता है मेरे हिसाब से तो। मुझे जब फर्स्ट ईयर उस सब में था, तभी ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। कॉलेज के उसके चक्कर में ये सब निकल गया। पीपल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कि भाई थर्ड ईयर में पता है कि बोर्ड का प्रेशर होगा, सेकेंड ईयर में एक बार पूरा खत्म कर लेता हूँ, थर्ड ईयर में एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, नॉट एन इशू। विवेकानंद तो अपने को मिलेगा ही 98.32% पे। SIS इज ऑल्सो, यू कैन ट्राई सोमैया, बट सोमैया थोड़ा महंगा है। सोमैया, नहीं सर, विवेकानंद ही जाना फिलहाल। सर ओके। सो कमिंग टू दी प्रिपरेशन पार्ट, योर्स वॉज स्लॉट 1। स्लॉट 1 का पेपर कंपेयर टू स्लॉट 2 इजी था। जैसे कि स्लॉट 2 वाले लिख के आए तो भाई मैथ्स को लेके इतना क्रिबल था कि कर रहे थे कि आप मैथ्स बहुत, एक्चुअली में मैथ्स टफ था। सर स्लॉट 1 के मैच में भी थोड़ा था, जैसे लिमिट्स के, फंक्शंस के और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, और अरिथमेटिक के बहुत कम थे मेरे हिसाब से तो। तो क्विकली टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी। कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या सेक्शन, क्या टाइम स्पेंड किया? या तो सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको जैसे बताया कि फर्स्ट ईयर से तो थोड़ा थोड़ा चालू ही था, फिर लास्ट में थर्ड ईयर में आके आपको बताऊँ तो सबसे ज्यादा टाइम मेरा लॉजिकल रीजनिंग के स्पेंड हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर बैकग्राउंड है, तो कंप्यूटर में ज्यादा करना पड़ा नहीं मुझे तो। और मैथ्स में ज्यादा ध्यान दिया था थोड़ा, अरिथमेटिक। अगर आपको मैथ्स करना है तो परसेंटेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पे ही बहुत सारा मैथ्स आ जाता है उसमें। अरिथमेटिक में बेसिकली। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद अलग अलग चीजें पे परसेंटेज अच्छा होगा तो आप बाकी सब भी कर ही लेंगे। आपका एक ग्रेजुएशन किस में हुआ है? BSc कंप्यूटर साइंस में, BN बांदोड़ का कॉलेज, थाने कंप्यूटर स्टेशन साइंस, के पास ही है। नहीं ओके। सो फिर कंप्यूटर में इतना प्रॉब्लम नहीं रही होगी। सो सर, कंप्यूटर बेस में प्रॉब्लम नहीं थी, मेजर चैलेंज वाज इन मैथ्स, मैथ्स। दैट इज अ जनरल इशू विथ और मेजर एस्पिरेंट। इनफैक्ट क्योंकि सर मोस्टली लास्ट ईयर में मैथ्स हट जाता है ना हमारे, थर्ड ईयर में मैथ्स होता नहीं है। ओके, बट जो मैथ्स था वो 10-12 लेवल का ही है। सर 10th 11th 12th तो ऑनलाइन हो गई थी ना। ओके,
अच्छा कोविड आ गया था। फर्स्ट ईयर तक तो कोविड ही था। तो नाउ अलोंग विद दी प्रिपरेशन कम टाइम मिला उसके बाद भी यू हैव हिट गुड परसेंटाइल। ठीक है, थोड़ा टाइम और मिलता तो माइट 99 के ऊपर जाते, बट ठीक है अभी जो है वी शुड बी हैप्पी विद दैट। ठीक है, माई क्वेश्चन इज इन दोज रिमेनिंग डेज जो आपने 15-20 दिन पढ़ाई की, उसमें आपने ऐसा क्या प्रिपेयर किया या किस चीज पे ज्यादा फोकस किया कि परसेंटाइल इतना अच्छा बन गया? सर ऐसा था कि अब मुझे पता है कि लॉजिकल और मेरा कंप्यूटर तो बहुत अच्छा ही है, तो मैंने लास्ट के 15 दिन में ना ईडीएम्स फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनिम पे बहुत ध्यान दिया। उसके बाद मैथ्स में अब एक्स्ट्रा टॉपिक करने जाओगे तो पहले के भी भूल जाओगे, तो अरिथमेटिक और फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से किए थे कैलकुलेशन करके। ओके, तो बेसिकली स्ट्रेंथ जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक था उसको आपने थोड़ा कम टाइम दिया, जो वीक एरिया थे उस पर काम करना चालू कर दिया, बिकॉज यू वेर अवेयर ऑफ कि भाई यहाँ पे तो मार्क्स मेरे बनेंगे। बनेंगे सर, ठीक है, मॉक टेस्ट कितने लिखे फिर? 5 मॉक टेस्ट है ना वो सर, बैच सो 5 के 5 कंप्लीट। कंप्लीट किए थे सर। हाईएस्ट स्कोर मॉक में कितना था? हाईएस्ट स्कोर था 136। 136। नॉट बैड यार, 136 काफी अच्छा था। 110 से 136 का बीच में स्कोर था, लोएस्ट 110 था, हाईएस्ट 136 था। बिकॉज आइडली मिनिमल का मॉक तो एक्चुअल एग्जाम से टफ था ऑलमोस्ट, तो आई थिंक वो एक रीजन है कि एग्जाम टफ है बट मैनेज कर गए हम। हो सकता है सर। और एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैनुअर के इंग्लिश वाले बहुत टफ थे एक्चुअल एग्जाम से, क्योंकि उसमें बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं। आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे ज्यादा टाइम वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगता है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन भी आप तीन चार आते हैं एक एक पैराग्राफ। और एक्चुअल में एग्जाम में तो पैराग्राफ दिखाई नहीं रहा था, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही आए थे सीधा। हाँ, कुछ ग्लीचेस भी हुए, गूफ ऑफ हुआ था टेक्निकल। मैंने पूछा भी था उनको, पर बोलते जो है यही है, तो अच्छा, उसमें भी मार्क्स कटे क्योंकि उसमें तो वी कांट डू दूसरा मार्क। एनीथिंग। सो 3 लर्निंग्स फ्रॉम द मॉक टेस्ट। टाइम मैनेजमेंट तो सर अच्छा हो जाता है उससे, क्योंकि मेरे पहले मॉक में छूटते छूटते रह गया था पहले 2-3 मॉक में। ओके। उसके बाद इंग्लिश में बहुत हेल्प होती है, इंग्लिश के फ्रेजेस नए नए पता लगते हैं, फिर आप जाके वर्ड्स पता लगते हैं बेसिकली, तो सिनोनिम एंटोनिम फिर आप जाके देखते हो। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि उससे रिलेटेड आ ही जाते हैं आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो। और लास्टली सर मैं बोलूंगा कि मैथ्स में थोड़ी हेल्प होती है अरिथमेटिक में, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर टाइप ही आते हैं एग्जाम में उससे बहुत। और इस बार तो ऐसा हुआ था कि लॉजिकल रीजनिंग में भी अरिथमेटिक आ गए थे, बेसिक हाँ, बेसिक पर अरिथमेटिक बहुत। के क्वेश्चन डाल दिए थे उन्होंने। ठीक है, बट ऑल्दो हमारा जिसका मैथ्स अरिथमेटिक लेवल तक का प्रिपेयर, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन तो करके ही आओगे मैथ्स के करेक्ट। आराम से। मॉक टेस्ट लिखने के बाद, जो मॉक टेस्ट लिखे एक्चुअल एग्जाम जब भी लिख रहे थे, क्या सिमिलैरिटी क्या डिफरेंसेस समझ में आ रहे थे? सर ऐसा बोलूंगा आपको तो कि वहां का पेपर ना बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता। मेरा अच्छा। एक्चुअल में वहां पे पीसी बंद ही हो गया था 15 मिनट के लिए, वो वाह। तो अच्छा हुआ टाइम रुक जाता है। और जब पेपर कंप्लीट करके सब बातें कर रहे तभी भी मैं पेपर ही दे रहा था। ओके, सो मेरे बाजू वाले बैठ के बोल रहे कि जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, ऐसा होता है फिर डिस्टर्ब बहुत होता है। मॉक्स में सिमिलैरिटी थी कि डिफिकल्टी लेवल वहाँ का इजी था, यहाँ के मॉक्स से तो जो मॉक दिए थे वहाँ से तो इजी था वो, पर बस मैथ्स थोड़ा हार्ड था क्योंकि मैथ्स का लिमिट्स वो सब बहुत आए थे जो टॉपिक कम किए थे। सो मेन्यूर का मॉक थोड़ा इंटेंशनली भी कीप ऑन द हायर साइड, ताकि अगर पेपर टफ आए तो मैनेज कर लेंगे हम, अगर इजी आए तो हम फोड़ देंगे। बट वही मैं बोल रहा अनफॉर्चुनेटली ना इस कि साल का जो मैथ्स का सेक्शन था, ओवरऑल इंग्लिश भी, इट वाज ऑन द हायर साइड। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि यहाँ के मैनुअर के इंग्लिश के पैराग्राफ बहुत लंबे होते हैं, उससे अच्छी मदद मिलती है टाइम मैनेजमेंट की। सर तो इंग्लिश का अगर सिंपल है, इफ यू आर नॉट हैबिचुअल विद द रीडिंग पार्ट, तो फिर इंग्लिश का सेक्शन चैलेंजिंग होगा। बिकॉज इफ यू थिंक टॉपिक पढ़ के मैं सेक्शन निकाल लूंगा, नॉट पॉसिबल स्पेसिफिक टू द इंग्लिश। अगर वहां पे आपके तो गो वहां अहेड, पे तो 20 मिनट्स में मेरा कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों हो गया था, दोनों हो गया था। नाइस, वह वो बहुत फायदा हेल्प मिला ना करता मॉक से, वहां पे इजी आया तो फोड़ दिया आपने। टेल मी अबाउट द डी डे जर्नी, एग्जाम के दिन और एग्जाम दिन के पहले क्या सिचुएशन थी और कैसी फीलिंग थी? सर। एग्जाम के एक दिन ज़्यादा तो कुछ नहीं किया था आपको बोलूँ तो, आराम कर रहा था।
आराम। और सुबह का बैच था ना तो थोड़ा दूर था, तो मेरे को 7 तक निकलना पड़ा था घर से ओके। जाने के लिए। और थोड़ा हॉल टिकट के प्रिंट को लेके इश्यू हो गया था मेरा, तो ओके सुबह सुबह प्रिंट निकलवाना पड़ा था वापस, ओके ओके। अच्छा और सुबह कोई प्रिंटिंग की दुकान खुली नहीं थी। आइडली तो हम 1 दिन 2 दिन पहले ले लेना चाहिए वो। लिया था उसमें प्रिंटिंग का थोड़ा इश्यू हो गया था, जैसे बॉर्डर अच्छा बराबर नहीं थे ओके ओके। और तभी इतना ध्यान दिया भी नहीं। तो जब ये एग्जाम चालू हुआ, एग्जाम जब चालू होता है, स्टार्ट होता है ना, जस्ट बोलते कि स्टार्ट एग्जाम, तो पहले 10-15 मिनट वाली जो फीलिंग थी वो क्या थी फीलिंग? तो इतना कुछ लगा नहीं खास, मतलब ठीक ठाक था, ऐसा कि नहीं एकदम ऐसा नर्वसनेस भी नहीं हो रही थी, मतलब चिल थे एकदम। अच्छा, क्योंकि मॉक लिखा था, हैबिचुअल थे इसलिए इतना हैवी थी। प्रॉब्लम है ना, वो एक बेस्ट पार्ट है। तो अभी जितने लोग 2025-26 एमसीएसईडी 25 के लिए, 26 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर दिए हैं, उनको क्या टिप्स या सेशन दोगे? सर सिर्फ वही ये कह मत रहा, बोलना कि नहीं 15 दिन पहले चालू करना। नहीं सर अब हर कोई थोड़ी कर सकता है सर। अब आपको मैं तो यही बोलूंगा कि सर मैथ्स का बेसिक बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा उनके लिए, अपना अरिथमेटिक परसेंटेज परसेंटेज अच्छे से करना, क्योंकि वो सिर्फ मैथ्स में काम नहीं आता है, कभी कभी लॉजिकल रीजनिंग में भी डाल देते हैं। और जितना हो सके आप सिनोनिम एंटोनिम करो, वो मेरे कैट। टाइम पे सिनोनिम बहुत वो आ गए थे, मतलब ये वर्ड्स बहुत नए थे सुनने के लिए। तो और बाकी इडियम फ्रेजेस तो ऐसा लगता है जैसे वो लोग डेली लाइफ से रिलेटेड ही डाल देते हैं, जो आपने हिंदी में कभी सुना रहेगा वही इंग्लिश में डाल देते हैं, तो आपको मतलब अच्छा, पता रहना ही चाहिए। यू कैन गेस और द आप मीनिंग। हाँ ये इस साल जो आया था वही था ना, ऐसा इजी था। तो उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से करो, बहुत स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा राइट उसमें ही जाते हैं। नाइस। और अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड के हो तो कंप्यूटर में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, पर कोड्स में ध्यान दो, कोड्स आए थे जैसे कि अपना कोड था एडिशन का, 2 नंबर का एडिशन, मतलब लूप में था, पर 1 2 3 4 5 ऐसे लूप, तो थोड़े बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स करने चाहिए। राइट। सो जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वॉट एवर थिंग इज बीन डिस्कस बाय हिमांशु, फॉलो द सेम, स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन, राइट द मॉक, डू द एनालिसिस, प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बिकॉज अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता है तो आप बहुत राइट तरीके से अकॉर्डिंगली डिसीजन आगे लेके आपके प्रिपरेशन को चैनलाइज कर पाओगे, राइट? एंड थैंक यू हिमांशु कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, और ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। 98.3 का जो परसेंटाइल है अपना, ठीक है, नाउ वेरी सुन दे विल बी स्टार्टिंग दी कैपराउंड प्रोग्राम, सो बी रेडी फॉर द कैपराउंड प्रोग्राम। वीडियोज आते रहेंगे चैनल पे, फॉलो ऑल द वीडियोज एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, या। थैंक यू।